जय साई राम। गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही होना चाहिए। मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नाइस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखा करो, डेली रोज देखा करो, बहुत अच्छे वीडियो आते हैं और आपको अच्छा लगता हो। आप नए हो और अभी तक प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना अपने दोस्तों के साथ। एक लाइक करना अब अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो, मैंने क्या किया है आज? क्या हुआ कि उन्हें ऑफिस घर से काम करना था हमारे हस्बैंड के लिए, तो फिर बॉस का कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि अब तुम्हें आज ऑफिस आना है, किसी उन लोगों में से किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आएंगे। अब आप जे गए हैं, अभी ऑफिस ऐसे चल रही ना कि 15 दिन आप जाओगे, 15 दिन हम जाएंगे। जनवरी से शायद रेगुलर हो जाएंगे, अभी रेगुलर नहीं हो रहे हैं। अभी भी केसेस निकल रहे हैं ना कोरोना के, इसलिए भीड़ नहीं हो जोड़ना चाहिए, सभी से कह रही हूँ। फिर क्या हुआ कि अब फिर अचानक से हो गया। मैं तो आराम से काम कर रही थी, मुझे थोड़ी करना था। हमने कि आराम से घर से काम करेंगे और चाय वगैरह बना रही थी मैं तो। चलो, तब तक क्या हुआ, जब तक तो फोन आ गया सुनने की हमें तो ऑफिस जाना है, अभी हल कॉल आ गया। मैंने फटाफट हमने पूरी पराठे की तो पूछी थी, हमने मना कर दिया अभी ये नहीं ले जाऊंगी। और टाइम उनका ऑफिस 8 बजे का निकलना है, 8 बजे में मैं केवल 10 मिनट की दे रही थी और उनको निकलना है। उन्हें गर्म पानी किया, जब तक उनकी बोतल नहा रहे हम पोहा बनाए देते हैं तो टिफिन में भी रखे। हमारे हस्बैंड के लिए उनका पसंदीदा है पोहा चावल, कढ़ी चावल, पोहा चावल, पोहा पोहा चावल नहीं, पोहा। तो उनके लिए मैंने पोहा बनाया फटाफट, और इतना दिमाग नहीं चला इनका। कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, वो डिब्बा भी रह गया और जल्दबाजी में, और इसमें मैंने पीनट की जगह हमें डालनी थी मुंह पे पी मटर डाल लेती और मूंगफली डाल दी। अब इतनी जल्दबाजी में इतनी जल्दी जल्दी काम किया कि इनको टिफिन भी दे दूं, खा तो लेंगे बाहर का, फिर भी जनसो का अपने, लेकिन अपने मन में लगा रहे तक कि अपने हस्बैंड ने खाया। मैं बोलती हूँ कि मैं ऑफिस में दे जाऊंगी, पास में है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो मना कर देते हैं तो इसके वजह से हम नहीं जाते। कि भाई फिर क्या है कि बच्चे को लेकर जाना पड़ेगा, अब बच्चे अपना टीवी देखा, टीवी भी अभी भी खराब चल रही है। तो उनके लिए मैंने फटाफट काम किया। उनका दो चीज़ ले, उनकी एक चीज़ यहाँ पर रखी रह गई फ्रिज में, गाजर का हलवा रखा रह गया। हमने कि चलो टिफिन में बन, हमने कि दोपहर में नहीं जाएंगे तो दोपहर में हम लोग खाएंगे, लेकिन जाना पड़ा था। वो उनका, हमने कि जाएंगे तो ये डिब्बा में रखा हुआ था एक छोटे से, मैं हम बताते हैं आपको फिर उससे निकाल के उनके डिब्बा में हमने पैक करके भी रख दिया, जी रखा रह गया। अब कोई बात नहीं, देखे कल ले जाने तो आकर खा लेंगे। अच्छा, बहुत टेस्टी बनाता हलवा। हाँ, इसके बारे में मैं बता दूँ, बहुत टेस्टी हलवा बनाता। आप लोग इस तरह से बनाओ तो आपको हलवाइयों का भी हलवा, उनके हलवाइयों जैसे ही बनेगा उनका भी फेल हो जाएगा। हाँ, हमेशा लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाना, कोई भी चीज़ हो ना लोहे की कढ़ाई में। आई आयरन मिलने, आयरन मिल जाएगा आप सभी को, जिसको आयरन की कमी होगी। और दूसरी बात, बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनती है खीर हलवा वगैरह, और घी की कमी नहीं रखो। हम तो इसलिए नहीं ज़्यादा घी डालते हैं क्योंकि मेरे हसन कहते हैं हमें ज़्यादा घी पसंद नहीं है, इसके वजह से हमें तो भरपूर पसंद है तो मैं तो डाल लेती हूँ ऊपर से बच्चे को हम, लेकिन वो नहीं खाते हैं तो उसके हिसाब से रहते हैं। ज़्यादा तेल ऑयली भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभी हलवा में तो चलता है कि सर्दी आ गई ना तो हलवा तो परफेक्ट अच्छा लगेगा खाने में। चलो, मैं क्या करूँगी, अब मैं अपना दूध बना लूँ, और सब मैंने काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह नहा धोकर पूजा तो मेरी हो चुकी है, आप देख ही लिए हैं। और बस अब मुझे क्या करना है कि मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और बस सब्जी बनाना स्टार्ट अपने लिए अब कैंसल हो गया है। ये मैं कल बनाऊँगी, चना लौकी दाल बनाने थी ये आज नहीं बनाऊँगी, अब कल बनाऊँगी। अब आज तो मैं केवल आलू की सब्जी और मटर आलू की सब्जी और रोटी बनाऊँगी, ये तो आप लोगों को सभी को आता है, और चना का भी, चना लौकी का भी सभी को आता है। हाँ, अपना तरीका बता देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, आप लोग उनको अच्छा लगे इसका पत्ते आप उस तरीके से बनाओ, आपको स्वाद अच्छा लगे तो आप उसी तरह बनाने लगो। ये अपने अपने तरीके होते हैं तो बस वो शेयर करती रहती हूँ, और कुछ नहीं आता तो सभी को है खाना बनाना, नाचना गाना,
सब आता है आजकल के, तो कोई वो है नहीं है। आजकल मोबाइल भी है, सर्च किया सब कुछ हो जाता है, लेकिन तरीका वो इसी मोबाइलों के जरिए पता पड़ेगा। अगर कोई घर जाके तो बताएगा नहीं, इसलिए हम आपको अपना तरीका बताते हैं। चलो इसको मैं अभी फ्रिज में रख के देती हूँ, अभी तो मुझे खाना नहीं है। और मैं अपना इन हस्बैंड और बच्चे को नमकीन पोहा अच्छा नहीं मतलब नमकीन पोहा अच्छा लगता है सॉरी, और मुझे चीनी डाला अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी सी चीनी डालो गरम करके, और मैं पोहा कम खाती हूँ, पोहा चावल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये मेरा दूध आ गया था, सो मेरा ये दूध गर्म भी हो गया है, और ये मैंने पोहा बनाया था तो पोहा हो गया है। अब मुझे बर्तन थे नहीं, तो एक ही गिलास इनका चाय का बच्चे के दूध का, एक गिलास तो शायद उधर रखा है, तो मुझे वो करना नहीं है कि एक बर्तन का करना है। अब मुझे बस अब खाए इतना अपना नाश्ता करके, बच्चे का पोहा जहीं के जहीं वहाँ रखा, उसके में राई जीरा दिख जाए तो फिर वो नहीं खाता है, इतने परेशान हो जाते बच्चे के। अब हमें लगता था कि सब लोग अपने अपना वैसे ही कहते हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा बच्चा नहीं खाता है सब्जी, नहीं खाता ही नहीं खाता, तो मैं भी चीज़ समझ, लेकिन मुझे टोड़ मटोड़ के कुछ ना कुछ गड़बड़ करके खिलाना ही पड़ता है कि जी खा लिए स्ट्रॉन्ग बनोगे, ऐसा ऐसी बातें मैं विदा कर खिलाना पड़ता है अपने बच्चे को। उसका पोहा वहाँ रखा है, और मैंने तब सुना के पूजा कर ली, क्लीनिंग का मिलकर भी मैं वीडियो नहीं बनाया, कभी फुर्सत में फिर बनाएंगे, मुझे थोड़ा इधर का भी फिर से जमाना, इधर का जितना चाहे जमा लो अच्छा, लेकिन वो दिखता ही नहीं है, मुझे मज़ा भी नहीं आता है कि मेरी किचन ऐसी थी नहीं। अब किराओं के मकान में जैसी मिलती हैं तो वैसे ही करना पड़ता है, लेकिन हमने बोला है ना कई बार, मुझे पहली बार ऐसी खोली मिली है, अभी तक तो कबाड़ वाली मिली है, तो मुझे सब अच्छे से सेट रहता था, वो अच्छा लगता था। तो फिर क्या करूँ बच्चे का लिए, बस थोड़ा सा मुझे दलिया बनाना है, फ्राई पैन में बना देती हूँ, और अब मैं अपना फिर सब्जी वगैरह बाद में देखूँगी। और इससे क्या है कि बच्चे का पेट भर जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्या है कि बच्चा भूखा रहता है ना, तो मन नहीं लगता फिर मम्मा का। तो मैं सोच रही हूँ कि ये दलिया बना दूँ, ये दूध है देखो, ये दूध है, ये दूध का मैंने अब फिर इसको मैं फ्रिज में कर दूँ, दूसरा दूध रखा है ना वो डाल अपना गर्म करूँगी। अब सर्दी आ गई ना तो यही हाल होएगा। जी मटर सामने रखी रहेगी, इतनी सी है थी ना, सामने ही रखी, और पीनट भी हमने मूंगफली भी फ्रिज में ही रखती हूँ, यहाँ पर कॉकरोच कीड़ा हो जाते इसलिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, अच्छे रहते हैं। तो ये मेरी आंखें ना जाकर मूंगफली पर चली गई, आज मुझे मटर पोहा बनाने था। कोई बात नहीं, अब अगली बार आएगा फिर बना लेंगे, गाजर मटर पोहा मिक्स पोहा अच्छा लगता है। आप लोग कैसे बनाते हो, आप लोग अपना भी कमेंटों में के द्वारा बताया करो ना, लाइक करो, समझ में तो देखो तभी आता है जब अपन एक दूसरे को बताएंगे करेंगे, ऐसे नहीं आ जाता है। यहाँ पर मैं बच्चे के लिए घी डालकर और पोहा बना लेंगे, और कल का वीडियो आया था कैसा लगा आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो, कमेंट करा करो, बनाया करो, नहीं कर रहे कमेंट को नहीं देख रहे हो, लेकिन थोड़ी झलक कभी चली जाए तो आप लोग बना कर देखा करो, अच्छा लगता है। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि अब अभी तो नहीं बना रही हूँ, शाम के बनाएंगे। दूध दलिया भी अच्छा लगता है, फ्राई दलिया दूध दलिया अच्छा लगता है। ये मैंने सेक कर नहीं रखा, वैसे मैं सेक कर रख देती हूँ, मैंने सेक कर नहीं रखा है, इसलिए मैं अब सेक ले रहा हूँ नहीं, बच्चे के लिए सारा सेक कर रख देती हूँ घी में, और जिससे सेकने से ये होता है कि खराब नहीं होते हैं, कीड़ा वगैरह नहीं लगते हैं। हमारा दलिया भी खत्म हो गया, दलिया भी मंगवाना है, अब बच्चे का पेट के लिए तो करना पड़ेगा। मुझे तो दूध दलिया बहुत पसंद है, लेकिन वही वही खा तो मन नहीं आता है ना, बच्चों को लेकिन दलिया देना चाहिए, दलिया से पौष्टिक आहार पूरा मिल जाता है, क्योंकि एक अन्न है, एक गेहूं है, जैसे बच्चा ना खा रोटी नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा सब्जी वगैरह, तो इससे पूरे चीज़ मिल जाएगी। दूध दलिया नहीं खा रहा है, दूध दलिया हमारा बेटा नहीं खाता, जो जिसका बच्चा दूध दलिया खाए उसकी खीर वगैरह बनाकर भी खिला सकते, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं स्नैक लेती हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ, और चलो आज पास में आके दिखाऊँ, बस इसमें कुछ नहीं करेंगे मैं, देखो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ,
चाऊ खाना देख लो, दलिया खाना है। अब दलिया बनाओ, अच्छे खाने बताना क्या अच्छे खाने। अच्छे खाने ये बोला कि चाऊ दलिया को चाऊ बोलता है, तो दलिया बना दो हम जे खाएं। जी अपनी टीवी देखने दे। बस इसमें मैंने 2 गिलास पानी और नमक और घी डाल दिया है, ऐसे पानी में उबाला है, वैसे ही 2 ढक्कन में दलिया डाल, यहाँ पर मैंने दलिया डाल दिया, सो ये दलिया बना जाता मेरा। यहाँ पर मैंने पोहे में अपनी चीनी डाल दी, थोड़ा पानी डालकर ये गर्म कर रही हूँ, ये पोहा बने था मेरा। उससे इनकी चाय पत्ती मैंने फेंक दी है और लेकिन थोड़ी सी रह गई है, तो उसी में दूध डालकर अपना दूध गर्म कर लेती हूँ। और ये सब मेरा बना है अभी फिलहाल में, अब पता नहीं अब क्या बने। वैसा तो मैं कुछ बना नहीं, आप लोगों से वैसा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं इतना ही आपसे के साथ वीडियो शेयर किया है, आपको कैसा लगा, जैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ, जैसा भी लगाओ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलो ये अपनी रजाई ओढ़े, बिस्किट की क्रीम क्रीम खा ली है, ये पुआ खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, इनकी छामा चल रहे हैं। चलो अब हम खाने के बाद थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। चलो अब वीडियो का एंड कर दूं, आज का वीडियो यहीं तक का था। आपको अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो के नीचे लाने का सब्सक्राइब बटन आएगा, लाइक करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। चलो वीडियो का आप एंड करेंगे, आज का वीडियो यहीं तक का था, बाय। आज मैंने कुछ नहीं दिया, सॉरी, और बाय बाय।